हिंदू धर्म में ज्योतिष का बड़ा महत्व है। कोई भी शुभ कार्य बिना भगवान का नाम लिए शुरू नहीं होता। बता दें कि इसी ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां होती हैं और प्रत्येक राशि का अपना एक स्वामी ग्रह होता है, जिस ग्रह की चाल का असर इन राशियों पर अवश्य पड़ता है। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह का विशेष महत्व माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार शनिदेव न्याय के देवता है। इन्हें कर्म फल दाता कहा जाता है, क्योंकि ये मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। बता दें आपको कि जहां देवताओं में शनिदेव को न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है, तो वहीं शनिदेव का नवग्रहों में भी विशिष्ट स्थान प्राप्त है। इनकी कृपा दृष्टि से रंक भी पल भर में राजा बन जाता है। तो वहीं यदि ये क्रोधित हो जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि शनिदेव की कृपा उसके ऊपर बनी रहे, ताकि उसके जीवन में दिक्कतें ना आए और सुख समृद्धि एवं तरक्की प्राप्त होती रहे। लेकिन जरूरी तो नहीं कि शनि की सब पर दया दृष्टि ही बनी रहे, क्योंकि वह तो कर्म फल दाता है। ऐसे में हम यहाँ बात उन 3 राशियों की करने जा रहे हैं, जिन पर शनिदेव की हमेशा कृपा रहती है। लेकिन यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि शनि की इन प्रिय 3 राशियों पर भी आजकल शनि की 7.5 और शनि ढैया की चल रही है। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की। शनि ढैया चल रही है, चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की। इस राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र और शनि ग्रह आपस में मित्रता का भाव रखते हैं। ज्योतिष के अनुसार ये शनि की उच्च राशि मानी गई है, इसलिए इस राशि के लोगों पर इनकी विशेष कृपा रहती है। शुक्र और शनि के शुभ प्रभाव से इन लोगों को जीवन में तमाम सुख सुविधाएं मिलती हैं। ये लोग काफी मेहनती और ईमानदार होते हैं, जिसकी बदौलत इस राशि के लोग जीवन में बहुत कुछ अर्जित कर पाते हैं। बता दें आपको कि तुला राशि वालों पर इस समय शनि की ढैया चल रही है। वहीं यदि इस राशि के जातक मेहनती हों और गरीबों की सहायता करने वाले हों, तो उनको सफलता निश्चित ही मिलती है, ऐसी मान्यताएं भी हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि वालों की। शनि देव स्वयं इस राशि के स्वामी ग्रह हैं, इसलिए इस राशि वालों पर इनके विशेष कृपा रहती है। मकर राशि के जातक काफी बुद्धिमान, विशेष कृपा बरसती है। बता दें आपको कि मकर राशि के जातक काफी बुद्धिमान और समझदार होते हैं। ये कड़ी मेहनत करके सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इस राशि के जातकों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है, जिस वजह से ये लाइफ में खूब तरक्की भी करते हैं। बता दें कि मकर राशि वालों पर शनि 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और इस समय शनि इस राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है। चलिए बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि वालों की। मकर के साथ ही शनि देव इस राशि के स्वामी ग्रह भी हैं, इसलिए इस राशि वालों पर शनि देव विशेष तौर पर इन जातकों का स्वभाव सरल और ईमानदार होता है। ये लोग हर विषय पर गंभीरता से सोचते हैं और सफलता पाने की भी हर संभव कोशिश करते हैं। मेहनत करने में इस राशि के लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। बता दें कि कुंभ राशि वालों पर इस समय शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। वही इस राशि के लोग किसी को धोखा इत्यादि नहीं देते हैं। न्यायप्रिय देवता शनि इसी वजह से इस राशि के लोगों पर अपनी अच्छी दृष्टि रखते हैं। कुंभ राशि के लोग मानवीय और परोपकारी होते हैं। ये लोग समाज की भलाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह है कि शनि देव को यह राशि बेहद पसंद है। चलिए बताते हैं, अब बात करते हैं कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न। ऐसे कर सकते हैं शनिदेव को प्रसन्न। जी हाँ, बता दें आपको कि भले ही शनिदेव की इन 3 राशियों पर कृपा दृष्टि रहती है, लेकिन अभी तुला, मकर और कुंभ तीनों राशियों पर शनि की 7.5 या तो शनि की ढैया या शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे में उन्हें प्रसन्न करने की विशेष जरूरत है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए इन 3 राशियों के जातक को अपने कर्मों में सुधार के साथ ही दान करना चाहिए। इसके साथ ही दया भाव भी दिखाने चाहिए। कहा जाता है कि मंत्रों के जाप से भी शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए शनिवार को शनिदेव की कृपा पाने के लिए भक्त को स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करना चाहिए, साथ ही मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा दान देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसे में यदि
तीनों राशि के जातक थोड़ा भी शनि देव को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो वह ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि ये राशियां उनकी पसंदीदा राशियां हैं। बस तुला, कुंभ और मकर राशि को अरदास लगाने की जरूरत भर है। उसके बाद स्वयं उनके ऊपर से शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाएगा। शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाएगा। बता दें आपको कि हमें ये पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल रिपोर्ट।